हेलो दोस्तों, वेलकम टू yogare.com, योगा आयुर्वेदा नेचुरोपैथी टिप्स में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे तुलसी की। तुलसी कितने प्रकार की होती है। तुलसी का देखा जाए तो धार्मिक दृष्टि से बड़ा ही महत्व होता है और इसमें बहुत औषधीय गुण भी होते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं श्यामा तुलसी की। श्यामा तुलसी जो है वो एंटी बैक्टीरियल होती है। श्यामा तुलसी मलेरिया बुखार, उल्टी आना, कान का दर्द, फेफड़ों के रोग जैसे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, डायबिटीज, ल्यूकोडर्मा, दांत का दर्द, कफ की समस्या का भी इलाज तुलसी से, श्यामा तुलसी से किया जाता है। श्यामा तुलसी का काढ़ा किसी भी तरह के बुखार को ठीक कर सकता है। आप इसके 20 से 22 पत्ती का काढ़ा बना सकते हैं। और अब नेक्स्ट बात करते हैं हम राम तुलसी की। राम तुलसी हर जगह आसानी से देखने वाली तुलसी होती है, जिसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं। राम तुलसी का पूजा में बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। हल्के हरे रंग के पत्तों एवं भूरी छोटी मंजरियों वाली तुलसी को राम तुलसी कहते हैं। श्याम तुलसी और राम तुलसी दोनों ही अलग अलग किस्म है। श्याम तुलसी जो है वो होती है बैंगनी कलर की और राम तुलसी होती है हरे रंग की। इन दोनों को आप इनके कलर से आसानी से पहचान सकते हैं और आसानी से दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब जान लेते हैं तुलसी के कुछ आयुर्वेदिक औषधीय लाभ। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी की 5 पत्तियों का सेवन करता है वो अनेक प्रकार के रोगों से सुरक्षित रहता है। पत्तियों तुलसी के पत्तों का सेवन करने से मस्तिष्क की निर्बलता को दूर किया जाता है और आपकी स्मरण शक्ति, मेधा शक्ति बढ़ती है। तुलसी के नियमित सेवन से किसी भी प्रकार का कोई भी संक्रामक रोग नहीं होता। चेहरे की समस्याओं के लिए तुलसी का लेप आप अपने चेहरों पर लगा सकते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो तुलसी त्रिदोष नाशक होती है। वो वात, पित्त और कफ को नियंत्रित करती है। तुलसी की गंध हवा के साथ जहाँ तक जाती है वहाँ का वातावरण स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो जाता है और हानिकारक कीटाणुओं जैसे मच्छर, मक्खी वहाँ नहीं ठहरते और वातावरण शुद्ध हो जाता है। खाली पेट तुलसी का रस पीने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आपके पेट के लिए, आपके मस्तिष्क के लिए तुलसी बहुत ही कारगर उपाय के रूप में आती है। तो इसका रोज आपको सेवन करना ही चाहिए। तुलसी के रस से अगर आपको उल्टी हो रही है तो उसे रोका जा सकता है। तुलसी का रस किसी कितनी भी तेज अगर उल्टी हो रही हो तो उसको पिया जाए तो उल्टी रुक जाती है। मलेरिया के बुखार में तुलसी का रस बड़ा ही लाभकारी होता है। तुलसी आपकी किडनी की कार्य क्षमता को बढ़ाती है। ये आपके कब्ज, पेशिश, सफ़ेद दाग, मोटापा में बहुत गुणकारी है। खांसी, बुखार, नज़ला, दमा और जुकाम आदि जो छोटे मोटे रोग हैं उनके लिए तो ये बहुत ही कारगर है। पथरी के रोगों के लिए तुलसी के रस में शहद मिलाकर उन्हें देना चाहिए। तुलसी रस ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, इससे पाचन शक्ति भी बढ़ती है। तो ये है तुलसी, देखा कितनी कारगर है। तो इसका रोज उपयोग कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को हिट करके हमारे आने वाले वीडियोस के लिए आप अपने आपको